नाकामी का मुंह अक्सर उस वक्त देखना पड़ता है जब हम कामयाबी के हुसूल के लिए अपने अल्लाह के उसूल तोड़ देते हैं। अगर शहद जैसा मीठा नतीजा चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एक रहना चाहिए, चाहे वो दोस्ती हो, फैमिली हो या अपना मुल्क हो। किसी शहंशाह के ताज से कीमती, मोतियों से ज़्यादा चमकदार और चांदनी रात से ज़्यादा पुरकशिश अगर कोई चीज़ है तो वो दोस्ती में वफा है। जब गलती साबित हो जाती है तो अकलमंद अपने आप को दुरुस्त कर लेता है और जाहिल जिद पर अड़ा रहता है। इमाम इब्ने जोजी रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को वो दो जो वो पसंद करता है तो वो तुम्हें तुम्हारी पसंद अता करेगा। जब वो तुम्हें बुलाए तो हाजिर हो जाओ, फिर जब तुम उसको पुकारोगे तो तुम उसको अपनी मदद के लिए पाओगे। दुनिया की सारी चीज़ें ठोकर लगने से टूट जाती हैं, मगर सिर्फ इंसान वो चीज़ है जो ठोकर लगने के बाद बनता है। जो शख्स तुम पर गुस्सा भी करे और ताल्लुक भी ख़त्म ना करे तो वो बुरे वक्त में तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। अक्सर एहसास कमतरी का शिकार लोग ही अपने मुंह से अपनी तारीफें करते हुए नज़र आएंगे। जैसे कि ख़ानदानी अमीर को दौलत की नुमाइश की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन नौ दौलतिये को नुमाइश का सहारा लेना पड़ता है। मुश्किल वक्त हमेशा के लिए मुश्किल नहीं रहता, लेकिन मुश्किल वक्त में सबकी पहचान हो जाती है और वो पहचान कोई कभी नहीं भूलता। वक्त, दौलत, रिश्ते, ये वो चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर इनकी कीमत का पता तब चलता है जब ये कहीं खो जाती हैं।